शिवात्मा राम 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 भक्त हनुमान श्री राम। आदिकाल शुरू हुआ, हम अनभिज्ञ थे। आदिकाल शुरू हुआ, हम अनभिज्ञ थे और आदिकाल में ही रहते हैं हम। हमारे बारे में कुछ जाने नहीं तो ये मनुष्य जन्म देह क्यों पाया है, क्यों मनुष्य जन्म में आया है? बोल, तुझे क्या है करना और तू क्या रहा है कर? कुछ समझ में आ रहा है? तूने कभी सोचा है तुम्हारे बारे में? तुम नहीं सोचते हो, इसीलिए तो तुम बार बार भटक रहे हो और भटकना ही तुम्हारी आदत बन गई है, क्योंकि भटकना ही तुम्हारी आदत बन गई है, क्योंकि तुम भटकते रहना चाहते हो, भटकते रहना चाहते हो, भटकते रहना चाहते हो, भटकते रहना चाहते हो। तो तुम्हें मार्ग दिखाएगा कौन? जब तक तुम नहीं पूछोगे कि सच्चा मार्ग कौन सा है इस संसार के अंदर, जिससे हम परमात्मा को प्राप्त कर सकें, हम स्वयं को प्राप्त कर सकें, हम स्वयं की पहचान कर सकें, हम स्वयं को जान सकें कि हम कौन हैं, क्यों आए हैं इस संसार में, और उस ऊपर वाले ईश्वर ने हमें क्यों दिया है वो चोला, वो शरीर, वो देह, वो मन, वो आत्मा, वो तत्व, वो जानकर जानने की क्रियाओं को करने वाला कौन है? स्वयं मैं ही तो हूँ, और कौन हो सकता है? मैं किसी और का भला या बुरा नहीं कर सकता हूँ, परंतु कोई और मेरा भला और बुरा कर सकता है। यही तो हो रहा है अभी संसार के अंदर। जानते हो कैसे, क्यों, कहां से, कब हम किसी और के वश में हो जाते हैं? हमारे विचार हैं वो हमें अपने वश में कर लेते हैं। हमारा विचार क्या हुआ? आओ मैं तुमसे मिलने आया हूँ, 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 और तुम मिल जाओ तो मेरा ये जन्म सुधर जाए, वरना मिला हुआ तो है कहाँ? तू तो अभी तक तुझमें ही है ना, तू क्या चाहता है तुझसे? तो तुझसे क्या चाहता है? तेरी कामनाओं की पूर्ति इसके सिवा तेरे को और क्या चाहिए? बोल, तेरी कामनाओं की पूर्ति के सिवा तुझे कुछ और नहीं चाहता है, और तेरी कामनाएं तो कभी पूर्ण होने वाली नहीं है, क्योंकि ये शरीर की भी तो कुछ अवधि है ना, क्योंकि इसे तूने किस प्रकार से प्रयोग में लिया है वो तुझे सोचना है, वो तुझे समझना है, वो तुझे जानना है। राम उनका जन्म नहीं है, राम उसका जन्म है, राम उसका जन्म नहीं है। और नहीं है तो कैसे नहीं है, और जन्म है तो कैसे है? तो क्या मनुष्य जन्म ही वो एक तत्व है जो राम का जन्म कहलाता है? राम का जन्म कौन सा कहलाता है? राम का जन्म कहलाता है कि इतना सक्षम में होते हुए भी कभी उसने अहंकार नहीं किया, और उनकी जो प्रार्थना थी उसमें सिर्फ विनती और विनती थी। और कृष्ण ने सब कुछ करके दिखलाया, ये भी बता रहा हूँ मैं, ध्यान रखना। इसे ही तो कहते हैं ना कि रामायण में महाभारत और महाभारत में रामायण इस तरह से रची बजी हैं कि जैसे एक साथ जिंदगियाँ चल रही हो, एक साथ चल रही हो, चारों युग एक साथ चल रहे हैं हर किसी के भीतर, मगर वो जानता नहीं है, इसीलिए वो सोचता है कि स्वर्ग कहीं और है, नर्क कहीं और है, मुझे तो यहाँ ऐसे ही करना है। परंतु कब तक कर पाएगा? जब तक तेरा शरीर है तब तक ही तो उस ऐस को कर सकता है, इसके सिवा तुझे करने की कोई शक्ति नहीं दे सकता। तो यहाँ जो बैठा हुआ है तो और कोई है ही नहीं तुझ सिवा, तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है, और तू है तो कोई और है ही नहीं। जब कोई और है ही नहीं तो भेद है किसका?
जब कोई और है ही नहीं तो भेजे हैं किसका क्या, मुझे मेरे शरीर के ऊपर मैं अपने आप तलवार का घा करूंगा, चप्पू का घा करूंगा, सोई लगाऊंगा, चुबाऊंगा, क्या मैं कांटे चुबाऊंगा अपने शरीर पर? मैं इस शरीर के अंदर से ही तो चाहता हूँ कि मुझे आनंद मिलता जाए, बस ऐसा ही मुझे प्रेम मिलता रहे, स्नेह मिलता रहे, अपनापन मिलता रहे। तो वो किसको मिलेगा, कब मिलेगा? जब जो जो जे जो 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 जैसा 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 दे रहा है, जैसा उसके अंदर प्रकट है, जैसा उसके अंदर भीतर ही वो बसा हुआ है, अपने भीतर के सिवाय और कहीं और है ही नहीं। देख ले तू, अपने मन को त्यागना है। मन तुझे भटका रहा है। मन कौन है? इंद्र का राज सिंहासन। वो स्वर्ग चाहता है, कर्म करना नहीं चाहता, बिन कर्म तो सब कुछ पाना चाहता है। जब उसका पुण्य खत्म हो जाएगा तब वो तो चला जाएगा, फिर दूसरा इंद्र आएगा, चाहे वो लाखों करोड़ों साल का क्यों ना हो। मगर हर इंद्र को तो ये मालूम है कि ये तीन देव हैं हमारे शरीर के, कफ वात और पित्त, ये अग्नि जल वायु आकाश और पृथ्वी को अपने भीतर योग्य मात्रा में सम्मिलित करके रखते हैं। ये हमारा तंदुरुस्त स्वस्थ निरोगी शरीर है। हम सर्व जगह हैं और कहीं भी नहीं हैं, बस भीतर हैं। हम सर्व जगह हैं मगर कहीं भी नहीं हैं, सिर्फ भीतर हैं। और जब भीतर चले जाते हैं तो वहाँ कुछ होता नहीं, गुण अंधकार के। और अंधकार से जब हम अपनी आंखें मिलाते हैं तो उसी में प्रकाश होता है। वो स्वयं का प्रकाश है, किसी और का प्रकाश नहीं है। वो स्वयं खुद को अगर जगाना चाहे तो जाग सकता है। वो स्वयं अगर खुद को सचेत करना चाहे तो कर सकता है। वो स्वयं अगर खुद को उस ऊर्जा से संयोजित करना चाहे तो कर सकता है। परंतु करना कोई चाहता नहीं है, क्योंकि कुछ क्षण के बाद में फिर कोई न कोई कामना खड़ी हो जाएगी और इंद्र चलायमान हो जाएगा और इंद्र विचारों में चलता चला जाएगा। और जैसा जैसा उसके अंदर विचार उत्पन्न हुआ, वैसी वैसी क्रिया उसके शरीर से होती रहेगी। ये क्रिया तुम और मैं नहीं कर सकते। ये जो गायत्री के पांच मुख बताए हैं, गायत्री, गाय जो, वही यत्री यानी प्रत्यक्ष है वो, उसको प्रमाण की जरूरत नहीं है। जैसे आग है, अगर मैं तुम जाग रहे हो तब भी और सोए हुए हो तब भी तुम्हें अगर मैं आग से भेंट करवा दूँ तो तुम आग जरूर सचेत हो जाओगे। परंतु जब तुम्हारे अंदर से मैं यानी अहंकार रूप जो तूने किया हुआ था वो खत्म हो जाता है और ईश्वर को तो प्राप्त हो जाता है जीते जी, जैसे राम तत्व बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं राम तत्व? बड़ा कठिन है बनना, कोई नहीं बन सकता। मनुष्य जन्म देव राम जन्म बनने के लिए और स्वयं को ईश्वर प्राप्त, क्योंकि मर्यादाओं में रहकर कर्म करना है। हम मर्यादा जब जब उल्लंघित करते हैं तब तक हम पर रावण हमारा हावी हो जाता है, और हम पर रावण जब हावी हो जाता है तो कामनाएं अतिरेक हमारे देह मन को विचलित करती रहती है। देह मन को, मन को अकेले विचलित करती है। और उस वक्त जो तरंग आए कि मैं इसे आलिंगन कर लूं, और उस वक्त कहा कि ईश्वर मैं तुझसे आलिंगन कर रहा हूं, तो कोई भेद नहीं है, क्योंकि इस आलिंगन तो किए हुए हैं हम सब, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सिर्फ हम अपने आप को भिन्न भिन्न समझ रहे हैं, और हम भिन्न हैं ही नहीं, हम एक ही हैं। हम एक ही हैं परंतु हम एक हैं नहीं, क्योंकि यही तो हमारी दुविधा है। दुविधा क्या है? हम एक होते हुए एक नहीं है, क्योंकि हम पांच भागों में बटे हुए हैं, अग्नि जल वायु आकाश पृथ्वी। और बस समझ सकते हो, कहने की जरूरत नहीं है। अग्नि जल वायु आकाश पृथ्वी और इस ब्रह्म रूप को जो तुम प्राप्त कर रहे हो, यही है वो चेतन अवस्था। चेतन अवस्था कोई और नहीं, ईश्वर अपने आप से मिलता है। ईश्वर, मैं आपसे सभी की प्रार्थना लाया हूँ। ब्रह्मांड में बिरदा बिरदा में जगत में आया हूँ, और इस ब्रह्मांड में बिरदे बिरदे जगत में आकर ईश्वर शिवात्मा रामदास श्री राम भक्त हनुमान सर्वव्यापी, मैं आपको बार बार विनती करके प्रार्थना कर रहा हूँ कि जगत के अंदर जो भी शरण में तुम्हारी जानकर या अनजान से भी आया हो तो
उसके हर गुनाह माफ़ करके उसे सद्बुद्धि दे दे, बस यही चाहता हूँ। और उसके कर्म जितने भी कठिन हो वो सरलता से उसे दंड प्राप्त होकर वो निवृत्त हो जाए, जिससे वो विचलित न हो। बस तेरे में मन लगा रहे, तेरे में मन धड़ल लगा रहे, तेरे में मन डाल लगा रहे, तेरे में मन डार 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 लगा रहे। बस तू, कोई मुझसे दूर नहीं, बड़ा दूर है तो कौन है? मैं स्वयं अहंकार और अहंकार इस वजह से दूर है क्योंकि वहाँ राम है। जब हमारे अंदर भीतर अपने मनुष्य जन्म दे अवतार का ज्ञान होगा तो हम क्या करेंगे? सीता यानी उसने जागरूकता प्रा ली, इसीलिए वो भ्रमित नहीं होगी, क्योंकि स्वर्ण मृग होते हैं तो परंतु उसमें भी तो जीव होता है। मैं उसकी हत्या कैसे करके उसके अंगर का बना सकूं? मैं उसके पालन पोषण करके उसे उस काबिल बनाऊं? ये बनाना चाहते थे कि मुझे भी उससे इतना लगाव प्रेम हो गया, परंतु वो तो रूप भयंकर था, वो समझ में नहीं आया, क्योंकि वो तो कैसा है? मन को भरमाया, मन को भरमाया, और इसीलिए तो उसका मनड़ा मृग स्वर्ण पे आया। तब राम गए वहाँ लेवेन को, क्योंकि इच्छा हुई ना सीता जी की, ये तुम्हारा मन हुआ ना ये ले लो, तो राम गए लेवन को। और लक्ष्मण खड़ा पहरेदार, फिर भी समझ न पाया वो, ये क्या कहूँ रामायण अवतार। वो तो जो बंधा हुआ है कर्म फल में कह नहीं पा रहा कोई, क्योंकि वो तो सदा योगी हैं और वो सेवक हैं दास उसी का, जिस पर बसे हर क्षण उसी पर तो बना हुआ है ना शिव जी। वैसे गणपति और हनुमान और सब ये देख रहे हैं, हम अपने अंदर भीतर हैं, मगर वो हम पहचानेंगे कैसे? तो कुछ पहचान करने के लिए हमारे भीतर बैठे हुए वो शेषनाग की शैया है, जिस पर विराजमान विष्णु है और विष्णु विराजमान है उसके पश्चिम भी। ये माया जगत विश्व की अधीन ही कर रही है कि जैसा चाहूँ वैसे न चाहूँ, नाचन वाली दुनिया फिर भी समझ न पाया वो, ऐसे नाचन जावे नाचन जावे नाचन जावे नाचन जावे नाचता जावे आया। श्रद्धा बुद्धि मैं बदलाऊँ, कहूँ मैं ये आदास तुम्हारा, श्रद्धा बुद्धि मैं बदलाऊँ यानी मेरे को मिले, और मेरे भक्त जो तुरे हैं, मेरे प्यारे जो तेरे हैं, मेरे इष्ट मित्र जो तेरे हैं, मुझसे जो जुड़े हुए हैं, उसके कार्य कष्ट क्षण भर में मिट जाए तो भी वो चमत्कार समझ आवे। क्या कहें? ये तो होना ही था, बस हो गया, भूल हुई जो सुधर गई तो अच्छा हुआ, न गांठ पड़ी तो बच्चा हुआ, बच्चा हुआ तो बात बड़ी, और बात बढ़कर इतनी बढ़ गई, क्या कहूँ समझाऊँ? बोलो ना बोलो फिर भी एक भाग अपना पुत्र पिता से भाग मांगने लग जाए। कैसा है? पुत्र पिता से भाग मांगने लग जावे, जैसे राजपाट मांगा ना दुर्योधन ने, वैसे लगने मांगने लग जाए कि बस मुझे ये मिल जाए। और पिता क्या करे? अंधा है, मोह में, क्योंकि उसे प्राप्त नहीं हुई है वो सत्ता, इसीलिए उसका मोह उसे ज्यादा है। जो नहीं प्राप्त होता उसी के पीछे हम दौड़ते हैं, जो हमारे पास है जिसका हम आनंद जिंदगी में नहीं ले पाते हैं, और हम भटकते फिरते हैं इस जिंदगी के अंदर। ये मेरा है वो मेरा है, ये मैं कर दूँ वो मैं कर दूँ, ये मेरा हो जाए वो मेरा हो जाए। सद्बुद्धि सद्वृत्ति और सत्कर्म के प्रदाता तो ही शिवात्मा रामदास वही करता है गिरतार। मैं जो कह रहा हूँ नहीं, जो आप इस ब्रह्मांड जगत के अंदर, ब्रह्मांड जगत के अंदर जो हो रहा है अंधकारमय कर्म, उसका शमन करो, उसे जलाकर भस्म करो, क्योंकि मेरा देह तो रावण का है, क्योंकि मेरा देह तो रावण का है। मैंने मनुष्य जन्म पाया है परंतु रावण मुझको भरमाया है, मैं उड़कर उड़ते उड़ते तेरे पास आया है, गरुड़ बन के आया पास तुम्हारे, मैं तुम्हारी सेवा में लग जाऊं। ऐसे कहे मैया मोरी, मैं सेवक बन जाऊं, तू संभाले मुझको और मैं संभालू तुझको। कैसी ये अविरत गाता कुछ समझ में नहीं आया, शेष नाग पर बसने वाला वो कैसे भरमाया? उसने भी तो देखा जग में कैसा ये खेल निराला, देखे ये तो जगत है सारा मुर्दा, इसमें मैं ही चेतन हूँ भरवाला, परंतु कैसी ऐसी चेतन वो जो समझाऊँ? भय नहीं है तुझको इस जगत में, मृत्यु और जीवन का भय लगता है, इसीलिए शस्त्र रखते हैं भय लगता है, और शस्त्र नहीं रखते हैं तो भय नहीं लगता है। परंतु ऐसा नहीं है, भय लगता है परंतु शस्त्र नहीं रखते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि ईश्वर किसी को हमारे ऐसा भय का जो संवेदना वह उत्पन्न न हो, परंतु भय नहीं रखेंगे। और कभी कोई चोर आ गया तो देखो ये तुम्हारी संवेदनाओं की ऐसी की तैसी
अभी हमारी तो हो जाती ना जैसी की तैसी, तो फिर समझ में आता नहीं है और बोल देते हो कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा ना करना चाहिए, क्योंकि सीख देने के लिए जगत तैयार है पर करने के लिए कुछ तैयार नहीं है। यही जगत बड़ा भरमा रहा है, इसीलिए बार बार मनुष्य जन्म मनुष्य जन्म मनुष्य जन्म मनुष्य जन्म अलग चौरासी में पा रहा है, 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 अलग चौरासी में पा रहा है। अब लग 84 में भटक भटक के फिर वापस मनुष्य जन्म आएगा तो फिर भी समझ में नहीं आएगा ये कौन है, राधा और कृष्ण कौन है, ये बीच में कहाँ से आ गए राधा कृष्ण के। राधा कृष्ण का खेल सारा जो तुमको मैं समझाऊँ, दिया श्राप था उसको और लग गया ये मुझको। श्राप जिसको दिया था उसको दिया था, किसने दिया था, और लग गया मुझको। वैरागी बन गया मैं ऐसे, इस जगत में कुछ समझ ना पाऊँ। वो शक्ति मेरी जो भ्रमित हुई है वो स्थिर शिवात्मा रामदास करे तब कर पाए, बाकी मेरी विषाद क्या। मैं पापी पाखंडी दुनिया का हूँ कामी, दुनिया का कामी यानी रावण है ना, काम क्रोध मद लोभ मोह माया आलस ऐश्वर्य अहंकार, और ये किसे प्राप्त है, मुझे कर्म फल को। ये कर्म फल है वो हमारा शरीर है, कर्म फल है वो हमारा देह है, कर्म फल है वो हमारे भीतर बसा हुआ स्वयं का कर्तव्य निष्ठ कर्म है, बाकी कुछ और है ही नहीं। समझ में आ जाए तो अति श्रेष्ठ है, समझ में ना आए तो अति उत्तर। मैं जो समझा रहा हूँ सभी को समझ में आ जाना चाहिए। क्या सबसे पहले हम अपने आप को कुछ समझते हैं, तो जो समझते हैं वो त्याग दो। तुम जो समझते हो सारा का सारा त्याग दो। क्या समझते हो तुम, शरीर, तो शरीर को तो त्यागना ही पड़ेगा, तो अभी से त्याग दो ना कि मुझे में तुझ में कोई भेद नहीं है, और तुझ मुझ में मैं तुझ में समाया हुआ हूँ, तुझ में मुझ में कोई भेद नहीं है, मैं तुझ में और मैं तुझ में और तू मुझ में, मैं उसमें दो में आ जाते हैं, ध्यान रखना। एक मैं खुद हूँ जो बोल रहा हूँ, और एक वो है जो बुला रहा है, और वो है जो बुलाने के लिए उसे दी है शक्ति सारी। ये तीनों का भेद अगर समझ जो पावे तो वो ही हो जावे जीते जी मुक्ति ब्रह्म पुरारी। शिवात्मा राम दास चरणे बैठो त्रिपुरारी, श्री राम भक्त की गाथा क्या समझाऊँ, समझ नहीं वो पावे। रामायण का जो चला था सदयुग द्वापर त्रेता युग द्वापर युग और कलयुग, अब रामायण को जो चला था दौर वो द्वापर युग का है। उस द्वापर युग में जो काम हुए थे राम ने उसका फल उसे प्राप्त हुआ दूसरे जन्म में। जब वो तत्व स्वयं बनाया हुआ जो शक्तिशाली है वो स्वयं उसमें परिवर्तन नहीं कर सकता है, तो तुम कैसे उसमें स्वयं में परिवर्तन कर पाओगे। क्यों तुम अमर हो, इसीलिए तुम ये कहते हो कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा, इसे मार दूंगा उसे मार दूंगा, मैं मार दूंगा दुनियादारी, मैं खुद बन जाऊं अटम बम और भोर दूं ब्रह्मा ब्रह्म जितने वो पास में हमारी, पर उससे क्या खत्म हो जाएगी क्या दुनिया। वो तो कहेगी तुझको पकड़ कर बड़ा झपट में आऊं, पहले तो तू उसमें खत्म हो जाएगा, फिर भी अगर तू बच जाता है पापी तो तेरा पाप वहीं पुकारेगा। क्या पुकारेगा, देह पीड़ा तेरी तुझको पुकारे दो सुख दुख का फिरे मारे मारे रे दो पुकारे देह पुकारे घड़ी घड़ी दो देह पुकारे घड़ी घड़ी दो अर दे ना जे और न जावे मैं तो समझो ये कौन है जो भरमावे। काम आया मेरे पास और कहने लगा ये कर दो मुझे कर डोलावे मंदड़ा दो अब शिव जी को जा डोला तू। नहीं चलाता मैं कोई अपनी ये देह संसार जिसमें बैठा है शिवात्मा रामदास अवतार। निर्मल मन वो होने को चाहे पर निर्मल ना होने दे ये दुनिया, मैल भरा मुझ में ही तो मैं मैले जानू रे दुनिया तो गणी है सदयोगी वही ब्रह्म छोड़े।
नजर राधो का गायन वे दो अब जो आप पिरो वे वो करुड़ो रमो दीड़ा वो तो करुड़ो रमो दीड़ा वो तो करुड़ मो दीड़ा गोहिनो धर्म बनायो अण दुनियाए अण दुनियाए बरमाए जतरो धूप सुवत दो जतरो मुतारी हार राख तो भाई अब तो दुयू बन न जावे सदगुरु शिवात्मा रामदास अवतार बार बार मने समझाए तोने समझावे जगावे हैं मनुष्य बन जाओ मत बनो वैरी तुम मनुष्य बन जाओ मत बनो वैरी तुम कोई तो वैरी नहीं तेरा तो क्यों फिरे जग में वैरी बन के सपेरो वो शेष नाग का आयापन जो पास मेरे समझाओ काम न जागे मुझमें भूखाऊँ तो पहले भूख कहाँ से मिटाऊँ तो पान माद करा दे मैं तो भूगो जन्म जन्म स्तन पान माद तू मुझे को करा दे मैं तो जन्म जन्म को भूगो प्यास मेरी अब बुझ भी जावे फिर भी मुझको यूं वो सतावे जब मैं कामन गारी देखो नारन वेले वो तो सरब जाले वो तो सरब जाले वो तो स्पर्म चाले दे के स्पर्म वान वो बल काम ना भाई भूख लगी और भोजन पायो तृप्ति खाके मैं बल गायो घियो घड़ी दो घड़ी विश्राम जीतो तो जागतो तो जी बचाने की कोशिश जीवत जागत मैं बचाऊं पर बचन वो न पाए बजावे मारो किरदार जगो कावेरे भावेरे कावेरे 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 कावे और संसार मारो धनी मैं धनियाणी जग की ना मैं सेवक बन के शरण में आयो और धरो दिल सी शरण तुम्हारी आया उसको मुक्ति बले हरे वही तो जो भटक गए बार मंदड़ा जो भटक रहा है बार बार वो भटकता है और भटकता ही जाएगा तो फिर भी क्या होगा अंदर से भेद होगा शरीर का मांगे की कामना और भोजन मिल जाए तो भोजन मिलने लेने के लिए और शक्ति ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए आपसे क्षमा मांग रहा हूँ। आप भी जाकर भोजन प्रसादी लेकर अपने देह को ऊर्जा प्रदान करिए जिससे शरीर के अंदर रक्त बनता है मज्जा बनती है लोही बनता है और रस बनता है तो रस बनाता है वो मैं कौन हूँ उसका अनुभव करें। सिर्फ ऐसे नहीं कि खाया और उस गले के नीचे उतारा एक 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 कण को चबाना है तो एक एक क्षण को चबाना है। शिवात्मा राम।
सदगुरु राम तो कल्याण रहेगा।